गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हमारा लेसन नंबर 5 जिसका नाम है बेटा इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010, जिसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, हमारे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वो स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एंड प्रेजेंटेशन क्या होते हैं बेटा उनके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बेटा, यू हैव लर्न अबाउट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। आपने बेटा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के बारे में पढ़ा है। यू नो इट इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ये क्या है बेटा, आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। एमएस ऑफिस इज़ कंप्लीट सॉफ्टवेयर पैकेज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन USA। एमएस ऑफिस क्या है बेटा, एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसको किसने डेवलप किया था बेटा, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन USA ने डेवलप किया था। अपार्ट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अलावा बेटा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंसिस्ट अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम। जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है बेटा, उसके अंदर सिर्फ जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है बेटा, उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही अकेला सॉफ्टवेयर नहीं होता बेटा। उसके अलावा भी बहुत सारे क्या होते हैं इसके अंदर, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं। उसके अंदर आता है बेटा आपका एमएस एक्सेल हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया। तो ये सारे क्या है बेटा, सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा दीज आर यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पस। हम इन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ क्या करते हैं बेटा, कोई ना कोई स्पेसिफिक वर्क के लिए करते हैं। वन ऑफ द एप्लीकेशन प्रोग्राम इन एमएस ऑफिस इज़ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। उन्हीं में से एमएस ऑफिस के जो प्रोग्राम्स है बेटा, उन्हीं के अंदर से एक है आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। पावर पॉइंट क्या होता है बेटा, पावर पॉइंट इज़ अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। पावर पॉइंट होता है बेटा आपका एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, क्वाइट पॉपुलर इन बिजनेस वर्ल्ड। ये मोस्टली हम पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं बेटा, बिजनेस वर्ल्ड में ज़्यादा यूज़ होता है। इट इज़ यूज टू क्रिएट प्रेजेंटेशन। इसकी हेल्प से हम क्या बनाते हैं बेटा, प्रेजेंटेशंस बनाते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंटेशन क्या होती है। तो प्रेजेंटेशन इज अ स्ट्रक्चर डिलीवरी ऑफ इन्फॉर्मेशन। प्रेजेंटेशन होती है बेटा एक स्ट्रक्चर डिलीवरी, यानी कि हम क्या करते हैं इसके अंदर इन्फॉर्मेशन गिव करने के लिए क्या बनाते हैं, स्लाइड्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे आपको किसी को कोई टॉपिक के बारे में बताना है तो आप क्या करते हो, उससे रिलेटेड नोट्स बनाते हो ना। सेम एज इट इज़ जब हम कंप्यूटर के अंदर ये सब करते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका प्रेजेंटेशन कहलाता है। इट इज़ अ सिस्टमेटिक डिस्प्ले ऑफ इन्फॉर्मेशन अलॉन्ग विद ग्राफिक्स मूवी एंड साउंड। ये एक सिस्टमेटिक डिस्प्ले होता है। सिस्टमेटिक डिस्प्ले का मतलब बेटा कि सिस्टम में आती है। जैसे कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में बताना है तो पहले वो टॉपिक आएगा, उसके बाद उससे रिलेटेड टॉपिक, उसके बाद वन बाय वन इस तरीके से सिक्वेंस में आते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप इन्फॉर्मेशन देने के अलावा क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं बेटा, ग्राफिक्स इंक्लूड कर सकते हो, मूवी साउंड, कोई भी इमेज एनिमेशन, सब कुछ हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। ऑल दिस आर डिस्प्लेड टुगेदर ऑन द स्क्रीन। ये सारी चीज़ें बेटा एक साथ हमें कहाँ विजिबल होती है, हमारी स्क्रीन के ऊपर विजिबल होती है। लुक एट सम ऑफ द प्रेजेंटेशन प्रिपेयर्ड यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इसने बेटा यहाँ पे तीन अपने अलग अलग प्रेजेंटेशन बना के दिखाई हुई है, जिससे किसने किसकी हेल्प से बनाया है, पावर पॉइंट की हेल्प से बनाया है। ये सीजन से रिलेटेड प्रेजेंटेशन है बेटा, ये टिप्स फॉर लाइफ से है, कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड। उसके बाद है बेटा, ए प्रेजेंटेशन कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ स्लाइड। जो हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसके अंदर क्या होती है बेटा, नंबर ऑफ स्लाइड्स होती है। स्लाइड्स क्या होती है बेटा, स्लाइड होती है द पीस, स्लाइड रिप्रेजेंट करती है बेटा नंबर ऑफ पेज। ठीक है, स्लाइड क्या होती है, बेसिकली एक पेज होता है किसका, आपका प्रेजेंटेशन का। ठीक है, जैसे कि आप नोट्स बनाते हो तो आप अपने पेजेस प्रिपेयर करते हो बेटा। ठीक है, असाइनमेंट्स के लिए जैसे आप पेज प्रिपेयर करते हो तो सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन का पेज बनाया, उसके बाद आपने उस टॉपिक से रिलेटेड उसका, जैसे कि हमने बना दिया बेटा कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर, तो पहले हमने कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बताया, फिर उसके टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम बना दिया, फिर हमने उसके टाइप से रिलेटेड बनाया इस तरीके से। तो सेम एज इट इज़ प्रेजेंटेशन के अंदर हम एक पेज को किससे क्या बोलते हैं, स्लाइड बोलते हैं। दीज स्लाइड्स आर ग्रुप टुगेदर। इन स्लाइड्स को बेटा हम एक साथ कंबाइन करते हैं एक सीक्वेंस में, यानी कि वन बाय वन आफ्टर अनदर टू फॉर्म अ स्लाइड शो। वो मिलके क्या बनाता है, आपका स्लाइड शो फॉर्म करता है। स्लाइड शो इज एन इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन डिस्प्लेड ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन। स्लाइड शो क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन होती है जो कहाँ पर दिखाई देती है, हमें हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर दिखाई देती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जब भी हमारा जो स्लाइड शो प्रिपेयर होता है बेटा, इसके अंदर नंबर ऑफ स्लाइड्स होती हैं आपकी। ठीक है, जैसे ही आप इसको ऑन करते हो आपके स्लाइड शो को, तो आपको वन आफ्टर अनदर क्या दिखाई देती हैं, ऑटोमेटिकली आपकी स्लाइड्स विजिबल होती हैं। उसके बाद बेटा, यू कैन सी डिफरेंट पीपल्स यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। यही इसने तीन अलग अलग लोग बताए बेटा जो पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं। सेल्स पीपल, सेल के
ग्राउंड में भी यूज़ होता है, टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में भी प्रेजेंटेशन यूज़ होती है, बिजनेसेस में भी आपका प्रेजेंटेशन यूज़ होता है। द आइडिया ऑफ पावर पॉइंट कम फ्रॉम द माइंड ऑफ बॉब गैस्किंग्स। बेटा जो पावर पॉइंट का आइडिया था वो बेसिकली किसने दिया है, बॉब गैस्किंग्स ने दिया है। द पावर पॉइंट हैज चेंज्ड द मेथड ऑफ टीचिंग एंड अदर प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट ने क्या कर दिया बेटा, बहुत से लोग टीचिंग मेथड में चेंजेस कर दिए हैं, प्रेजेंटेशन देने के उसमें काफ़ी चेंजेस किए हैं, बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, तो इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है हमारा प्रेजेंटेशंस। ओके, तो ये था आपका प्रेजेंटेशन के बारे में। कल हम पढ़ेंगे कि बेटा किस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को स्टार्ट करते हो। ठीक है, फिर हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी विंडोज़ के बारे में पढ़ेंगे, तो इसको हम डिटेल से स्टडी करेंगे इस चैप्टर में इसके बारे में। ओके, थैंक यू।